सऊदी अरब के किंग जल्द ही अपने बेटे और उत्तराधिकारी को गद्दी सौंपने की घोषणा कर सकते हैं। शाही परिवार के एक करीबी सूत्र ने डेली मेल को बताया कि अगले हफ्ते प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश के नए किंग बन जाएंगे। 32 साल के प्रिंस सलमान की सत्ता पर पकड़ मजबूत होने का ये अंतिम कदम होगा। हाल ही में उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में 40 से ज्यादा प्रिंस और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। सूत्र ने कहा कि किंग सलमान अब रस्मी तौर पर देश के प्रमुख रहेंगे। आधिकारिक रूप से देश की सत्ता उनके बेटे के हाथों में आ जाएगी, जिन्हें MBS भी कहा जाता है। सूत्र ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो किंग सलमान अपने बेटे MBS को सऊदी अरब का किंग नियुक्त करने की घोषणा जल्द कर देंगे। किंग सलमान इसके बाद इंग्लैंड की महारानी की जैसी भूमिका में आ जाएंगे। वो केवल पवित्र धार्मिक स्थलों के संरक्षक बने रहेंगे। उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि किंग बनने के बाद प्रिंस सलमान ईरान पर अपना फोकस करेंगे, जिसके साथ लंबे समय से सऊदी अरब की शत्रुता चली आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। यही नहीं, नए सऊदी किंग शिया आतंकी संगठन हिजबुल्ला को तबाह करने के लिए इजरायली सेना से सहयोग बढ़ा सकते हैं। अगर इसराइल राजी हुआ तो MBS अरबों डॉलर की सीधी वित्तीय मदद भी दे सकते हैं। सूत्र ने कहा कि MBS इसराइल के बगैर लेबनान में हिजबुल्ला से मुकाबला नहीं करेंगे। प्लान बी सीरिया में हिजबुल्ला को शिकस्त देने का है। पिछले महीने लेबनान के PM ने सऊदी यात्रा के दौरान इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसे सऊदी के दबाव में उठाया गया कदम बताया गया। 3 इंडिलिंक्स।